आज का हमारा वीडियो होने वाला है इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जो सूचना सहायक की यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग। जो डेटा प्रोसेसिंग वाला और फाइल एंड इस टाइप फाइल और उसके टाइप जो वाला टॉपिक है हमारा यूनिट का, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर उसकी वर्किंग के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको डेटा की प्रोसेसिंग को समझना है कि डेटा किस तरह से प्रोसेस होता है। क्योंकि डेटा जो होता है वो रॉ ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मतलब एक सूचनाओं का एक तरीके से कह सकते हैं कि अनशॉर्टेड बोल दें हम उन्हें, या ऐसी सूचना है जिसका डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो एक स्ट्रक्चर वे में, एक क्लीन वे के अंदर हम कंप्यूटर को या मैनुअली जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो उसको एक स्ट्रेटेजिक और उसको एक स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट करते हैं। तो उसी की प्रोसेसिंग का पूरा ये कॉन्सेप्ट है डेटा प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले बेसिक सी एक इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग होता है आपका, डाटा प्रोसेसिंग इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रॉ डेटा को कलेक्शन का एक मेथड है जिसमें रॉ डेटा को कलेक्ट किया जाता है एंड ट्रांसलेट, और उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू अ यूजेबल इंफॉर्मेशन। मतलब एक ऐसा डेटा जो कि बिखरा हुआ है, शॉर्टेड नहीं है, रॉ डेटा है, उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसलेट करना एंड देन उसके बाद उसको यूजेबल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। द रॉ डेटा इज़ कलेक्टेड, अब डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, लाइक रॉ डेटा जो है कलेक्ट होता है, उसके बाद उसको हम फिल्टर करते हैं, फिर उसको शॉर्ट करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसीड करते हैं यानी कि प्रोसेस करते हैं, देन एनालाइज द डेटा एंड स्टोर द डेटा एंड देन प्रेजेंटेड इन टू अ रीडेबल फॉर्मेट। इन सभी साइकिल से होकर जो एक रॉ डेटा जाता है, लाइक उसके कलेक्शन हो गया, फिल्टर हो गया, शॉर्ट हो गया, प्रोसीड हो गया, एनालाइज हो गया, स्टोर हो गया एंड देन प्रेजेंटेड इन टू अ रीडेबल फॉर्मेट, देन उसके बाद एक रीडेबल फॉर्मेट में उसको प्रजेंट किया जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग इज सिंपली अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रॉ डेटा एंड ट्रांसलेटिंग इट इंटू यूजेबल इंफॉर्मेशन। उसी को ही हम क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब डेटा प्रोसेसिंग की एक साइकिल होती है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। जनरली इस टॉपिक पे से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल भी आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इससे जो भी बनने वाला क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले होता है डेटा का कलेक्शन, उसके बाद उसका होता है उसका प्रिपरेशन। स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि डेटा को हम क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं, है ना, शॉर्ट करते हैं, अनऑर्डर फॉर्म में है तो उसको ऑर्डर फॉर्म में जमाते हैं, वो प्रिपरेशन वाली स्टेप के अंदर होता है। देन उसके बाद हम उसको इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद एक आपको आउटपुट कंप्यूटर जो है आउटपुट के फॉर्म में आपको उसका एक रिज़ल्ट देता है। देन उसके बाद उस रिज़ल्ट को आप चाहो तो स्टोर कर सकते हो, चाहो आप उसको एज ए हार्ड फॉर्म के अंदर आप अपने पास प्रिंटर के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हो। स्टोर होने के बाद आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। इस साइकिल को हम इस ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। एक बार ये ग्राफ देख लें, आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग का होता है, सबसे पहले डेटा का हम कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्ट होगा, एक रॉ डेटा है सबसे पहले हमने कलेक्ट किया, देन उसके बाद उसको उसकी जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर जनरली क्लीनिंग ऑफ डेटा आता है कि डेटा को हम क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं, शॉर्ट करते हैं, वो सारा स्टेप आपके जो है प्रोसेसिंग वाले प्रिपरेशन वाले स्टेप के अंदर आता है। देन उसके बाद हम उसको एज ए इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, या आप मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आप वो जो इनपुट है वो आप किसी यूज़र को देंगे जो उस डेटा को यूज़ करके आगे डिसीजन करेगा। मेनली जो डेटा प्रोसेसिंग है वो आपका डेटा साइंस का टॉपिक है। आज के टाइम में डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट
सबसे ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं और बहुत इमर्जिंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है डेटा प्रोसेसिंग का, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट का। और डेटा साइंटिस्ट ही उस सारे डेटा को प्रिपेयर करता है एक यूज़ेबल इंफॉर्मेशनल फॉर्म के अंदर, ताकि वो एक डिसीजन ले सके उस डेटा के बेस के ऊपर। जो इनपुट डेटा होता है उसके बाद प्रोसेस होता है, यानी कि वो कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद उसका एक आउटपुट जनरेट होता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फाइल के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी एक यूँ कह सकते हैं स्टैटिक्स के फॉर्म में हो सकता है उसका आउटपुट। देन उसको हम उसके लास्ट स्टेप होती है स्टोरेज। तो आप ये वाला जो इसका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप रट लें कि इस प्रोसेस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग का जो साइकिल है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कलेक्शन, प्रिपरेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो ये सर्किल भी इसी तरीके से काम करता है, लाइक सबसे पहले कलेक्शन होगा, उसके बाद प्रिपरेशन होगा, देन इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट आएगा और स्टोर होगा। देन अगेन जो स्टोर डेटा है, जो स्टोर डेटा है, अब हम चाहते हैं कि इससे एक और हम कुछ इंफॉर्मेशनल काम करना चाहते हैं, कुछ और डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तो उस कलेक्शन में नहीं जाएगा, वो सीधे फिर एज ए इनपुट हम उसको कंप्यूटर में देंगे। तो इनपुट में आएगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट आएगा, स्टोर होगा। इस तरह से डेटा जो है फिल्टर होता चला जाएगा, प्रोसेस होता चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप का जो है डेटा प्रोसेसिंग होती है, टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पर बहुत टाइप के डेटा प्रोसेसिंग है। लाइक सबसे पहले होता है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग बहुत सिंपल है, लाइक जो डेटा होता है वो कलेक्टेड होता है, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं इनटू ए बैचेस। बैच बना बनाकर, मतलब एक ये बैच बन गया, एक ये बैच बन गया, इसके अंदर कुछ डेटा है, इसके अंदर कुछ डेटा है, देन इस डेटा को हम आगे प्रोसेस में भेजेंगे और वो प्रोसेस होकर इनपुट, एंड उसके बाद जो इनपुट होने के बाद उसका आउटपुट आता है, देन उसके बाद उसका स्टोरेज होता है। तो बैच प्रोसेसिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, पहले तो ये जो बैच प्रोसेसिंग जो है, डेटा प्रोसेसिंग, बैच डेटा प्रोसेसिंग जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर ही यूज़ में आती है। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेरोल सिस्टम। अच्छा, आपसे डेटा प्रोसेसिंग के अंदर उसके एग्जाम्पल भी पूछा जा सकते हैं कि बैच प्रोसेसिंग का इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, तो पेरोल सिस्टम। क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो आप बैच प्रोसेसिंग आ गया, यानी डेटा जो है कलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है इनटू ए बैचेज, बैच, एंड उसके बाद जो एग्जाम्पल है, एक तो बड़े अमाउंट ऑफ डेटा में डेटा बैच प्रोसेसिंग यूज़ होता है, उसका पेरोल सिस्टम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम खुद अपने आप में आपको मीनिंग पता चल रहा होगा, रियल टाइम मीन्स कि जो हाथों हाथ चीज़ होती है, मतलब डेटा का प्रोसेस क्या होता है, विद इन अ सेकेंड होता है। रियल टाइम के अंदर क्या होता है, विद इन अ सेकेंड होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप एटीएम में जाइए, आपने जैसे इनपुट दिया एटीएम को कि आपको 5,000 रुपये निकालने हैं, लाइक, तो आपने उसमें इनपुट दिया, पिन नंबर डाला और वो पैसे आपको कलेक्ट करके देता है। तो ये डेटा का प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, क्योंकि आपने जो इसमें इनपुट दिया है, क्योंकि आपका जो डेटा प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होता है स्टोरेज डेटा से। स्टोर डेटा जो हमने अभी ये एग्जांपल समझा था कि अगर डेटा स्टोर है, पहले से स्टोर है, तो वो फिर कलेक्शन और प्रिपरेशन में नहीं जाएगा। अब आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी बैंक के पास स्टोर है, तो उसने क्या किया, सीधे आपका इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आपने पिन डाला, पिन डालने के बाद आपने अमाउंट डाला, उसके बाद सीधा आउटपुट आपको उसने दे दिया। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग का। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग जिसमें डेटा जो प्रोसेस होता है वो विद इन अ सेकेंड होता है। उसके बाद आता है तीसरा टाइप है, वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग, जैसा कि नाम आपको दिख रहा है कि जितना भी जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली फीड होता है इनटू सीपीयू एज सून एज इट बिकम अवेलेबल। जैसे ही ऑनलाइन है, ऑनलाइन है तो जैसे भी अवेलेबल होगा वो एज ए इनपुट जो है ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है कि के अंदर, सीपीयू के अंदर चला जाता है, और यूज़ फॉर कंटिन्यूस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। मतलब ऑनलाइन प्रोसेसिंग कंटिन्यूस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए काम में आता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बारकोड रीडिंग। बारकोड रीडिंग में जैसे ही बारकोड रीड होता है उसका डेटा, उसमें इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद आउटपुट, आउटपुट होने के बाद सीधे उसका जो रिज़ल्ट आ जाता है वो स्टोरेज से वाली सर्किल से ही जाता है। और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का सेकंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेडिंग। अगर आपने ट्रेडिंग देखा हो तो वहाँ चार्ट चलते होते हैं, तो चार्ट जो होता है वो सीधा सीधा ऑनलाइन प्रोसेसिंग, जो डेटा जो ट्रेड हो रहा है, जो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ चल रही है, वो हाथों हाथ आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है वो फीड हो रही है सीपीयू के अंदर और वो अवेलेबल हो रही है यूज़र्स के लिए। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद होता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग जैसा कि नाम आपको दिख रहा है, मल्टी यानी कि एक से ज़्यादा
काम वो कर सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग ना, पैरेलल प्रोसेसिंग में हम इसको बोलते हैं, जो डेटा होता है ब्रोकन डाउन होता है इनटू फ्रेम, फ्रेम्स के अंदर ब्रोकन डाउन होता है एंड प्रोसीड होता है यूजिंग टू और मोर सीपीयू, एक से ज़्यादा सीपीयू का इसमें मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टी टास्किंग, तो मल्टी टास्किंग होगा तो एक से ज़्यादा सीपीयू होगा विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसका एग्जांपल है वेदर फॉरकास्टिंग, मल्टी प्रोसेसिंग का वेदर फॉरकास्टिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। अगर ये वाले नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप जस्ट सिंपल कमेंट करें, यस मैं ये नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। पहले के नोट्स भी बाकी चल रहे हैं, वो सब मैं एक ही फोल्डर में गूगल ड्राइव के ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये मैं खुद जो है नोट्स बना रहा हूँ और मेरे खुद की प्रिपरेशन चल रही है, तो जो भी मुझसे बन पा रहा है, जितना भी टाइम मुझे मिल पा रहा है, मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी सारे नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, तो वो सब मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और रेगुलर बेसिस पे आप जो है क्लासेस रहेंगी, और रेगुलर बेसिस पे ही मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको जो है रिप्लाई एज ए रिप्लाई ये इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे नेक्स्ट जो डाटा प्रोसेसिंग है वो है टाइम शेयरिंग। डेटा प्रोसेसिंग अब जैसे पता है आपको, टाइम शेयरिंग मतलब एक टाइम एलोकेट होता है कंप्यूटर रिसोर्स को, और जो डेटा होता है वो उस टाइम स्लॉट के अंदर ही जो है काम करता है या प्रोसेस होता है, वो डेटा शेयरिंग या टाइम 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 शेयरिंग डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आता है। आपसे एग्जांपल पूछ लेगा टाइम शेयरिंग का, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। टाइम शेयरिंग का मतलब जो होता है कि एक एलोकेट कंप्यूटर जो होता है वो रिसोर्स को, डेटा को एक टाइम स्लॉट के अंदर ही एलोकेट करता है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो डेटा प्रोसेस होता है, साइमेंटेनियसली जो है यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है डेटा प्रोसेसिंग का, हमने डेफिनेशन देख ली, टाइप देख ली, अब आता है मेथड, किस किस टाइप के मेथड होते हैं डेटा प्रोसेसिंग के, कितने मेथड होते हैं। तो तीन मेन डेटा प्रोसेसिंग के मेथड अवेलेबल हैं आज के टाइम में। सबसे पहले है मैनुअल, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, जैसे आपको पता है मैनुअली मतलब खुद हैंडल्ड मैनुअली, आप इसको यूज़र या कोई भी डेटा साइंटिस्ट बिना किसी सॉफ्टवेयर बिना किसी हार्डवेयर के यूज़ करता है, मैनुअली डेटा को कलेक्ट करता है, मैनुअली जो है डेटा को प्रोसेस करता है और मैनुअली डेटा को जो है स्टोर करता है, वो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में आता है। इसमें इस डेटा प्रोसेसिंग के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है एरर्स का, क्योंकि ह्यूमन करता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग हैं तो हमसे ज़्यादा जो है गलतियाँ होती हैं इन कंपेयर टू मशीन। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है क्योंकि आप खुद कर रहे हैं बिना किसी टूल का यूज़ किए, तो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में जो है मैनुअली डाटा को प्रोसेस किया जाता है। दूसरा होता है मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग, मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग जैसे आपको पता है इसके अंदर हम मशीन का यूज़ करते हैं, डिवाइस का यूज़ करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वो मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग का के कैटेगरी में आता है। अब एग्जांपल की बात करें तो कैलकुलेटर हो गया, टाइपराइटर्स हो गए, प्रेस हो गई, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर में जो भी आप इनपुट डालेंगे वो उसका आउटपुट आपको जनरेट करके देता है प्रोसेस करके। उसके बाद आता है तीसरा टाइप होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, लाइक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उनका यूज़ करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिकली जो है डेटा को प्रोसेस करता है एंड देन उसका आउटपुट और स्टोर करता है। अगर हम बात करें फ्यूचर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग की, तो जो फ्यूचर है डेटा प्रोसेसिंग का वो सीधा का सीधा है क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको ये थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अलग से एक वीडियो में बना दूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर कि फ्यूचर क्या है डेटा प्रोसेसिंग का और उसमें ऑप्शन आप देखें क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप लगा ही आएगा क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही सारा सारा डेटा प्रोसेसिंग आज के टाइम में चल रहा है। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन जो टूल्स हैं डेटा प्रोसेसिंग में, कौन कौन से टूल्स जो है कॉमनली आज के टाइम में करंट टाइम में यूज़ हो रहे हैं, तो उनके आप सब नाम याद रख लें बस। ये मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके नाम देखे हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग है, हैंडूप है, HPCC है, स्टारविंग है, क्यूबॉल है और CouchDB। CouchDB भी आपका यह है डाटा प्रोसेसिंग के जो है पूरे पूरे टूल्स हैं, ये टूल्स आप याद कर लें। इस टूल्स में भी कई बार आपको पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर डाटा प्रोसेसिंग, इनमें से अगर कोई ऑप्शन में है तो आप लगा के आ सकते हैं। आप डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये हमें शुरू में हमने बात कर ली थी कि जो डाटा होता है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता, बिखरा हुआ होता है, ठीक है। अब डाटा प्रोसेसिंग का जस्ट सिंपल क्या है कि जो इनपुट होता है हम डाटा को एज ए इनपुट देते हैं और आउटपुट के तौर पर हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है।
अब एक हायरार्की की हम बात कर लेते हैं कि डेटा किस तरह से स्टोर होता है। सबसे पहले बिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट आइटम होता है, जीरो एंड वन की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो होता है बाइट से बनता है, और बाइट्स कॉम्बिनेशन होती है किसकी, मल्टीपल बिट्स की। उसके बाद होता है फील्ड्स। फील्ड्स जो होता है कॉम्बिनेशन होता है रिलेटेड कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है फील्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। और रिकॉर्ड्स क्या होता है, फाइल्स क्या होती है, फाइल होती है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड्स उसकी होती है, कॉम्बिनेशन होती है। डाटा ऑर्गेनाइजिंग मेथड की अगर हम बात करें तो डाटा ऑर्गेनाइजिंग मेथड में दो टाइप के मेथड आते हैं, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच और डाटा ओरिएंटेड अप्रोच। ये दो अप्रोच होती है, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच और डाटा ओरिएंटेड अप्रोच। ये इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच पे ही हम बात करेंगे। जो नेक्स्ट इस वीडियो में आने वाला है वो है हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड इस टाइप्स, कि फाइल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जस्ट सिंपल कमेंट में यस लिखें, मैं आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है फाइल के ऊपर होने वाला है, इस पर भी काफ़ी कुछ नोट्स बने हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और आपके सजेशन आर वेलकम्स। अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, ये जस्ट सिंपल एक प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।